ये टर्म जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई बाय फ्रांसिस फुकुयामा। सो आज ये जो टर्म है उसने एक एसे लिखा था 1989 में, याद करें कि कोल्ड वॉर जो है उसके दो साल लिए जाते हैं बुक्स में एंड ऑफ द कोल्ड वॉर के, एक है 89 और एक है 1991 इसलिए चूंकि उस साल बर्लिन वॉल जो थी दैट वाज डिमोलिश्ड, और उसके अलावा जो इसके अंदर है ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी वो यूनिफाई हो गए थे, एक मुल्क बन गया था। 91 इसलिए चूंकि सोवियत यूनियन द कम्युनिस्ट स्टेट दैट क्लैप्स्ड और वो डिसइंटीग्रेट हो गए। इनमें कोई भी ले लें, 1989 को अगर हम लें तो फ्रांसिस फुकुयामा ने जो ऐसे लिखा एंड ऑफ हिस्ट्री, इसका मतलब क्या था? बाद याद इसके बाद में किताब भी लिखी गई थी। इसका मतलब ये है कि जो इंसान की ह्यूमंस की जो एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी स्ट्रगल थी कि जी विच सिस्टम इज द बेस्ट, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा बेहतर है और इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा बेहतर है, तो वो जो स्ट्रगल है दैट केम टू एन एंड इन 1989 यानी कि विद द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड डिमाइज ऑफ द सोवियत यूनियन।